कोर्ट में आपकी अर्जी को मंजूरी मिल जाएगी? सर आई डोंट थिंक सो कि अब इस केस की सुनवाई एक भी दिन आगे बढ़ पाएगी। ट्राई करने में क्या जाता है? मैं सोच रहा था कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती, शायद मैं सबूत इकट्ठा कर सकूं। बट सर वो सब। अरे जरा सुनना। एक मिनट सर, मैं अभी आया। भाई मैं तो बाल बाल बच गया। वैसे ये ठकराल साहब है बहुत शातिर आदमी, मुझसे पूरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहे थे। मैंने तो भाई साफ साफ मना कर दिया। तू तो सही में लकी है, मैं तो अभी भी फंसा हुआ हूँ। और सुनो, कुणाल चोपड़ा की वाइफ सिद्धि चोपड़ा, ठकराल ने उनसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, और जिसके मुताबिक उन्हें हर केस लड़ना ही पड़ेगा। और उसी कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत ठकराल ने उसे उसके पति के खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। आज की बात बताता हूँ, जब सिद्धि ने केस छोड़ने की धमकी दी, ठकराल ने उल्टा उन्हीं पे केस ठोकने की धमकी दे दी और कहा है गलत सबूत गवाहों पे उन्हें फंसा देगा। बेचारी ना इधर की रही ना उधर की। जरा धीरे बोल यार, अगर ठकराल को पता चल गया ना कि हम लोग उसकी बुराई कर रहे थे तो हम ही पर केस फाइल कर देगा। ठकराल सर के घर जाकर सीढ़ी लेना ठीक होगा, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। मुझे हर हाल में कुणाल की मदद करनी है, और वैसे भी वो सबूत कुणाल का ही तो है। ठकराल सर ने तो उसे गलत तरीके से हासिल किया है। सिद्धि मैडम आप आइए। सिद्धि मैम, साहब तो घर पे नहीं है। पता है मैं तो फाइल रखने आई थी। तो आइए ना, आइए। आइए सिद्धि मैम, कुछ लेंगी आप? चाय, नाश्ता? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो ऊपर का कमरा खुला है? कमरा तो खुला हुआ है मैम, आइए। एक मिनट, वो मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? आप चलिए मैम, मैं भी लेके आता
मुझे मालूम था कि मजबूरी में तुमने हाँ तो कह दी, लेकिन कुणाल चोपड़ा की मदद करने में तुम पीछे नहीं हटोगी। झूठा केस लड़ने में तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, अब चोरी करने में शर्म नहीं आ रही? ये सबूत कुणाल का है और इसे आपने चोरी किया। मैं तो बस इसे वापस लेने आई। यस यस, अब तुम आई हो तो तुम्हें खाली हाथ तो भेजूंगा नहीं, तुम्हें सीढ़ी देकर ही भेजूंगा, क्योंकि ये सीढ़ी तो तुम्हें देनी है। लो ये सीढ़ी, तुम्हारे पति को इस सीढ़ी की ही जरूरत है ना, लो जाके दे दो उसे। हाँ दे दो। सॉरी, वेरी सॉरी, सीढ़ी तो टूट गई। तो क्या है कि कच्चे खिलाड़ियों के सबूत भी कच्चे ही होते हैं। वैसे इस सीढ़ी को तुम जोड़ के देख लो, शायद चल पड़े। आई बस टेल यू वन थिंग सिद्धि चोपड़ा, आज कोर्ट में तुम्हारे पति को हारने से कोई नहीं बचा सकता। एक बार फिर वो हारा हुआ आदमी आज फिर हारेगा। फिर आपको जवाब चाहिए था ना कि मैंने ठकराल सर का ऑफिस क्यों ज्वाइन किया। हमने रेंट की दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, इसलिए लैंडलॉर्ड ने ये नोटिस भेजा। आपकी नई नौकरी लगी, अगर आप पैसे भी लाते तो कहाँ से लाते? क्या हुआ, उसे किसी तरह पता चल गया कि मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूँ अपना केस। उसने भी नकली फोटोग्राफ्स बना के मेरी असली फोटोग्राफ्स को नकली प्रूफ कर दिया। ये रही चाबी, आपने आपके सारे पेपर्स उस ड्रॉवर में रखे हैं ना, उसकी चाबी भी आप आपके पास रखिए। मैं मेरे सारे पेपर्स दूसरे ड्रॉवर में रख दूंगी, जहाँ भरोसा ही ना हो वहाँ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। नहीं, तुमने तो वो एनवेलप गायब नहीं किया? क्या ऐसी हरकत तुम पहले भी कर चुके हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? मैं चोरी करूंगी? सिद्धि ने ये सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किया, वो भी मेरी फैमिली के लिए, और मैंने हमेशा उसे गलत समझा। आई शुड से सॉरी टू। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ये केस मजबूरी में कर रही हो और मैं तुम्हें गलत समझता रहा? गलती तो मेरी ही थी जो मैंने आप पे भरोसा करने की बजाय उन सबूतों और उन लोगों पर भरोसा किया जो कि दोनों ही झूठे हैं। काश मैं समय को पीछे ले जाती। तो आज सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ तो हो चुकी है निशा। गड़बड़ हो चुकी है मतलब? वो सीरीज जो हमने बहुत मुश्किल से हासिल किया था वो गायब हो गया। तो लेकिन आपने कहा था कि आप उसे संभाल के रखेंगे, खो कैसे गई?
वो मेरे घर से चोरी हो गया। लेकिन घर से कौन चुरा सकता है सर? मुझे कुछ आइडिया नहीं। इसका मतलब अब हमारे पास फिर से रोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और अब तो हमें कोर्ट से बहुलत भी नहीं मिलेगी सर। क्या हम ये केस हार जाएंगे सर? इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। लगता है इस केस का फैसला आज होकर रहेगा। ओ वकील साहब, आधा वर्ड है वकील साहब। वैसे आपको मानना पड़ेगा, आप एक से एक बढ़कर सबूत ढूंढ कर लाते हैं। पहले वो फोटोग्राफ, फिर पंडित जी, और अब ये क्या कहते हैं इसे, सीसीटीवी फुटेज। इस बार तो मेरा बेटा फंसी जाता, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबूत छूमंतर हो गया। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि शायद आप वकील कम हैं और जादूगर ज्यादा है। उधर सीडी के टुकड़े हुए और इधर आपके दिल के टुकड़े, नहीं है ना? ऑल थैंक्स टू और कॉम्पिटिटर लॉयर। तो ऑल द बेस्ट। हाँ चोपड़ा, बहुत जल्द आपके दिन बदलने वाले हैं। सो गेट रेडी, बस तुम जल्दी से ये केस जीत जाओ, फिर तुम्हारी जीत की खुशी में मैं एक बहुत शानदार पार्टी करूंगा। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। अदालत में फोन बंद रखिए। सॉरी सर। हेलो रोहित, क्या हुआ? केस का क्या हुआ? फैसला हो गया क्या? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। का फोन था, दोस्त का फोन। फोन बंद करो। मिसेस सिद्धि चोपड़ा,
आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है मिसेस सिद्धि चोपड़ा? सिद्धि, जैसा तुम्हें कहा गया वैसा ही करो, गेट अप। सिद्धि, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे मजबूरी में झूठ का साथ देना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि ये केस इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। प्रोसिक्यूशन को बहुत से मौके दिए गए लेकिन उन्हें हर बार नाकामयाबी हासिल हुई। इससे ये साबित होता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रोहित ठकराल ने कुछ नहीं किया, वो गुनहगार है। ऑनर, क्या वकील साहब रिपीट करेंगे उन्होंने क्या कहा अभी? मैं माफी चाहती हूँ मिलोर्ड, मेरे कहने का मतलब था कि मेरे क्लाइंट रोहित ठकराल बेकसूर है। मिस्टर कुणाल चोपड़ा, यू विल प्रोसीड। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट से माफी मांगना चाहूंगा कि पहले की तरह आज भी प्रोसिक्यूशन कोई पुख्ता सबूत रोहित ठकराल के खिलाफ नहीं पेश कर पाया है। हमारे पास सबूत था यौन, लेकिन वो चोरी हो गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को बहुत मौके दिए और मोहलत भी दी सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लॉयर कोई भी पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, लिहाजा ये अदालत रोहित ठकराल पर लगाए हुए सारे इल्जामों को खारिज करती है। उन्हें बाइज्जत ठहरिए जज साहब। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।
जो हमारा सबूत चोरी हो गया था वो हमें मिल गया। अगर कोर्ट की परमिशन हो तो इस टीवी में जो सीसीटीवी की फुटेज है वो बतौर सबूत मैं एडमिट करना चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू। मैंने तो सीडी तोड़ दी थी, फिर ये सीडी कहाँ से आ गई? तब तक आप ये देखिए। मैम मुझे मालूम नहीं है कि ये डिजाइन निशा को पसंद आएगा भी कि नहीं। अच्छा तो आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं उस लड़की का नाम निशा है? जी। जॉनर, जैसे आप फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं कि रोहित ठकराल एक मंगलसूत्र खरीदा और कह रहा है कि वो निशा नामक लड़की से शादी करने वाला है। ये एक सबूत है जॉनर कि यकीनन रोहित ठकराल ने निशा के साथ शादी की और बाद में धोखा देने की कोशिश की। प्रोसिक्यूशन रेस्ट जॉनर। प्रोसिक्यूशन ने अदालत के सामने जो सबूत पेश किए उससे साफ जाहिर होता है कि रोहित ठकराल ने निशा से शादी की और बाद में उसे धोखा देने की कोशिश की। Found guilty. अदालत का फैसला कल सुनाया जाएगा। तब तक के लिए अदालत रोहित ठकराल को पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म देती है। Court is dismissed. Till next hearing. रोहित ठकराल, चलिए। मैंने कहा चलो।